तो कुछ लोगों को बैड बॉय फ्रॉम यूपी के जो आवाज़ है उसके आवाज़ में एक्स ऑफ स्वॉर्ड का मतलब, उसका मीनिंग और उसको बनाते कैसे वो समझ में नहीं आया है। तो वो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बेटर तरीके से मैं वापस इसी वीडियो को बना रहा हूँ। तो बिना देरी के जल्दी से चलते हैं, और न्यू प्लेयर्स के लिए, बिगेनर्स के लिए जो अभी नए गेम में नए हैं उनके लिए एक्स ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैंने कल रात को लॉगिन नहीं किया तो वो सब आज करना पड़ेगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया है। ये डिस्पैच मिशन फिर से बीच में आ गया। ठीक है, तू जा साइड में, बाद में करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेनू बार पे यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ में। ऊपर की तरफ में करने के बाद में यहाँ पर देखो हर तरह का एक पैनल है। इस पैनल में हर छोटे छोटे बटन दिए हुए हैं। अब जो जो बटन पे टच करोगे वो तुमको उस जगह पे लेके जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक्स ऑफ स्वॉर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर से लेके सेकंड वाले रो में देखोगे, सेकंड वाले रो में यहाँ पर जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट के थोड़ा पहले देखना एक्स ऑफ स्वॉर्ड लिखा हुआ है, इस पर टच करना है। टच करते ही यहाँ पर जो भी तुम्हारे पास में स्वॉर्ड होगा, जो नहीं होगा या खाली स्लॉट है तो यहाँ पर वो दिखेगा। उसके बाद में व्यू ऑल इफेक्ट का बटन है, इसमें तुम तुम्हारे स्वॉर्ड में से मिलने वाले इफेक्ट को देख सकते हो कि किस टाइप के इफेक्ट तुम्हें मिल रहे हैं स्वॉर्ड के थ्रू। और यहाँ पर मैं जैसे ये येलो वाला है, ये ग्रीन वाला है, तो इसको बनाना कैसे वो भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और इसमें यहाँ पर देखो ये स्वॉर्ड के जो पावर लेवल है उसको मैक्सिमम लेवल तक कैसे पहुँचाना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और वो कुछ करते कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। ये स्टैमिना वाला देखो, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाले का नंबर 3 आ रहा है। और ये येलो वाला देखो जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं स्वॉर्ड को, स्वॉर्ड का नाम है इंटेलिजेंस, और दूसरे वाले ग्रीन वाले स्वॉर्ड का नाम है स्टैमिना स्वॉर्ड। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर और येलो कलर करके ही बोलूँगा, क्योंकि बार बार वो वर्ड यूज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी और प्रोनाउंसिएशन की माबन एक हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि प्रोनाउंसिएशन की माबन एक हो। तो चलते आगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की जो स्वॉर्ड है जिसका नाम स्टैमिना है उसका पावर लेवल 3 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? बिकॉज वहाँ पर मैं जो कलर है वो ग्रीन कलर खाली 3 है। अगर वो 4 होता तो वहाँ पर मैं पावर लेवल 4 शो करता। अगर समझ लो, बाय सपोज करो कि वहाँ पर मैं पावर उसका जो ग्रीन कलर है स्वॉर्ड में, जो ग्रीन कलर का आइकॉन है ना, मैं जूम करके दिखाऊंगा, आप उस पर गौर करना। स्वॉर्ड में ग्रीन कलर के जो तीन तीन जो स्टोन लगे पड़े, छोटे छोटे स्टोन है बहुत ही ग्रीन कलर के 3, तो ऐसे जो स्टोन है वो तुमको एक के बाद एक लाना है, मतलब बैक टू बैक लाना है। कम से कम 7 में 2 होना चाहिए। अगर वो 2 होता है तो उसे पावर लेवल जो तुम्हारे स्वॉर्ड में जो बोनस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्वॉर्ड का इफेक्ट दिखा रहा हूँ, और इस इफेक्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में तुम्हारे जितने भी स्वॉर्ड लगे होंगे उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ऑल बेसिक अटैक कितना इंक्रीज हो रहा है, 6% का इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल डैमेज कितने का इंक्रीज हो रहा है, 4% का इंक्रीज हो रहा है। कूल डाउन ड्यूरेशन 1.5, और नीचे में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन इंक्रीज करके लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन बेसिक डैमेज रिसीव एलियन टाइप के कैरेक्टर्स के अगेंस्ट में डैमेज बोनस डील करने वाले कुछ बोनसेस है, तो यहाँ पर वो नीचे दिए हुए हैं, ऑर्डर जस्टिस डील डिस्ट्रक्शन जस्टिस, ऐसे बहुत सारे बोनस इस स्वॉर्ड से निकल रहे हैं। और ये स्वॉर्ड का इस्तेमाल मुझे ज़्यादातर करना है यहाँ पर सेट करने में, और ये स्वॉर्ड और भी बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड बना सकते हो और बनाने के बाद में उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये स्वॉर्ड मिलेगा कहाँ से बताता हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे सेम स्टेप करना तुमको भी मिलेगा। डेली का लॉगिन रिवॉर्ड और जितना भी रिवॉर्ड है वो सब एक्सेप्ट कर लेना है पहले, ताकि कोई भी रिवॉर्ड मिस ना हो जाए, कोई भी टोकन मिस ना हो जाए। ठीक है, इवेंट कॉस्ट से यहाँ पर जो टोकन मिल रहा है उसको कलेक्ट कर लेना, नहीं कलेक्ट किया तो। जैसे मैं अभी कलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं जाऊँगा क्राफ्ट में, और यहाँ से कुछ कॉमिक कार्ड फास्टली तरीके से बना लेता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और ये मैंने कॉमिक कार्ड बना लिए, अब मैं यहाँ से क्लोज का बटन दबाऊंगा। फिर इसके बाद मैं इन्वेंटरी में जाऊंगा, इन्वेंटरी में जाके कॉमिक कार्ड का सिलेक्शन सेट करूंगा, फिर वहाँ पे अपग्रेड ऑल का बटन दबा दूंगा, उसमें कॉमिक कार्ड जितने भी है वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे, तो मेरा चैलेंज हो गया कम्प्लीट। अब ये वाला हो गया, एक टोकन में ले लिया, उसके बाद मैं दूसरा वाला टोकन लेता हूँ। तो वापस मैं अगेन जाऊँगा वहाँ पर, मैं जहाँ पर मुझे वो इवेंट कॉस्ट का मिलेगा, इसमें बोला है डिमेंशन मिशन 10 टाइम्स प्ले करना है, तो डिमेंशन मिशन 10 टाइम्स प्ले करना है। फटाक से क्लियर बटन दबा के रेडी का बटन पर टच करना है, क्लियर बटन दबाना है, 10 टाइम्स कर लेना है, और ये 10 टाइम्स के बाद में चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया तब ऑलमोस्ट कंप्लीट, बाकी जो बूस्ट पॉइंट वगैरह है वो बाद में रिकवर हो जाएंगे, इसको बाद में करेंगे, GBR वगैरह बाद में करते रहेंगे। चलो ये ले लिया मैंने, ये हो गया, ये भी हो गया, ये बाद में करूँगा। नहीं तो हमने ले लिया,
अब तुम्हारे इवेंट कॉस्ट में कितने टोकन हुए मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, और क्राफ्ट इवेंट तो गया काम से, वो अभी किसी काम नहीं आने वाला तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं 640 टोकन मेरे पास हुआ है, तुम्हारे पास में कितने टोकन हुए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सेम या नहीं मैं देखूंगा। उसके बाद में हम लोग चल रहे थे वापस से बैटल वर्ल्ड के अंदर में, तो एंटर बटन दबाना है, उसके बाद में अरीना में आना है, अरीना में आने के बाद में यहाँ पर अदर बैटल वर्ल्ड है जिसको बैटल वर्ल्ड ही बोलेंगे, तो बैटल वर्ल्ड में आना है। बैटल वर्ल्ड में आने के बाद में यहाँ पर टीम सेटअप का बटन दबाना है, तुम्हारे जो भी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है उसको तुम 1, 2, नंबर 3 पे सेट कर सकते हो, जो 1 और 2 में लड़ेगा, उसके बाद में 3 में 4 में 5 में, मतलब एक एक करके। तो यहाँ पर तुम्हारे बेस्ट कैरेक्टर सेट करने के बाद में तो यहाँ पर बैटल वर्ल्ड के अंदर में आना है, अंदर में आने के बाद में यहाँ पर सर्च फॉर अपोनेंट का बटन दबाना है। सर्च फॉर अपोनेंट का बटन दबाने के बाद में यहाँ पर टीम देखेगी, जो भी तुम्हें टीम लगती है कि तुम उसके साथ में लड़ सकते हो या इक्वलिटी है तुम दोनों के बीच में, तो वहाँ पर तुम बैटल एंटर द बैटल का बटन दबा सकते हो। एंटर द बैटल बटन दबाने के बाद में यहाँ पर कैरेक्टर तुम लोग स्विच कर सकते हो, अपनी जगह चेंज कर सकते हो बाहर निकल के भी, और यहाँ से भी तुम जगह स्विच कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर नंबर 1 पे जेंकरे है, तो यहाँ पर मैं भी अपना जेंकरे उतार दूंगा। उसके बाद में इसका नंबर 2 पे हल्क है, तो यहाँ पर मैं गौर को उतार रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्विच कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से ये फाइट करेंगे, और यहाँ पर मैं 3rd नंबर पे कौन है इसका थानोस है, तो मेरा हल्क वहाँ उतरेगा। उसके बाद में इसका 4th नंबर पे कौन है इसका गौर है, तो वहाँ पर मेरा थानोस जा रहा है, और इसका नंबर 5वें पे एडम वॉरलॉक है, तो वहाँ पर मेरा 4th नंबर का स्पाइडरमैन जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से फाइट होने वाली है, तो देखते हैं यहाँ पर मैं कैसे क्या फाइट होने वाली है, मैं भी इसको देखने वाला हूँ। और ये फाइट का बटन दबा के आपको मैच स्टार्ट करना है, और इसमें जो भी आपने बोनस खरीद रखे होंगे बैटल वर्ल्ड के अंदर से कम 5 बोनस वैसे वो वर्क नहीं करते, ऐसा 20 गेम मोड बोल रहा था, और सिनिकलिस भी काफ़ी ज़्यादा एंगर है इस चीज़ को लेके कि ये बैटल वर्ड क्या है, टाइम पास है, टाइम वेस्ट है, इसमें बोनस बफ काम नहीं करते वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा चल रही है। और यहाँ पर मैचेस लड़ना है, ये मैचेस ऑटोमेटिकली लड़ेंगे, मैन्युअली हमें कंट्रोल करने का बटन नहीं दिया हुआ है, वरना सारे के सारे मैचेस एक ही कैरेक्टर से सारे कैरेक्टर को मार डालता आराम से, अगर मेरे हाथ में कंट्रोल होता तो, बट मेरे हाथ में अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से मैं इस मैचेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब हारते हुए मैचेस को भी जीत नहीं सकता, मतलब कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये कुछ कैरेक्टर देखो अपने आप ही अटैक मार खाते रहते हैं, मतलब फटाक से अटैक नहीं करते, डॉज नहीं करते, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो वो पीवीपी बैटल के नाम पे बस बैटल वर्ड का नया वर्ड चिपका दिया है बस, और कुछ नहीं। तो इसके बारे में बहुत से क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलेगा, और आगे इसके ऐसे ही करते करते लेवल इंक्रीज करना है, और जितना ज़्यादा लेवल इंक्रीज करोगे, जितने ज़्यादा चैलेंजेस कंप्लीट करोगे, यहाँ पर बैटल पास का बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड अक्वायर ऑल का बटन मिलेगा उसको दबा देना है, जो भी चैलेंजेस होंगे जितना भी उसके अंदर चैलेंजेस होगा जैसे जैसे कंप्लीट करोगे वैसा वैसा तुम्हारा यहाँ पर होगा। और ये बैटल वर्ड तुम्हें कंप्लीट करने के लिए तुम्हें लड़े जाना है, जो भी तुम्हारा इक्वल पावर लेवल की टीम लगेगी हाँ तुम उसके साथ में लड़ सकते हो, जीत सकते हो, तो ही लड़ना है, नहीं तो रिस्क नहीं लेने का है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लोगे तो ये कैरेक्टर तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे, और इसमें से कौन कौन से टीम कौन कौन से पावर लेवल के साथ में आ रही है वो भी हम लोग देख नहीं सकते, गेम आईडी चेक करने में टाइम लगेगा। तो मैच खेल खेल के हमने लेवल अप कर दिया है, सीजन यहाँ पर मैं 1 है और लेवल हमारा 11 है, और यहाँ पर बैटल पास के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अक्वायर ऑल का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देना है, जितना भी जो भी मटेरियल होगा सब मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं नीचे भी अक्वायर ऑल का बटन दिया हुआ है उस बटन को प्रेस करना है, वहाँ पर जितना भी मटेरियल होगा सारा मटेरियल मिल जाएगा, और उस मटेरियल का फिर हम लोग करेंगे अपग्रेड। इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री में जाने के बाद में यहाँ पर स्वॉर्ड को सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर इन्वेंट्री में जैसे जहाँ पे कॉमिक कार्ड है, आइसोलेट है, ऑब्लिस्क है, आर्टिफैक्ट वगैरह दे रखे, उरू वगैरह दे रखे, बस उसी के बाजू में यहाँ पर स्वॉर्ड का बटन दिया हुआ है। स्वॉर्ड के बटन में आने के बाद में यहाँ पर स्वॉर्ड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में एनहांस का बटन दबाना है, राइट साइड में तुम्हें नीचे एनहांसमेंट का बटन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं स्वॉर्ड को अपग्रेड करना है, एनहांस करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे सेम कलर के बोनस आएंगे वो वाले को आगे अपग्रेड करते जाना है, और अगर सेम कलर नहीं आते हैं तो उसको स्किप कर देना। जैसे एग्जांपल इसमें पर्पल आया, रेड आया, और एक पता नहीं क्या आने वाला है, मैं उसको अपग्रेड करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ आ गया, इसमें वापस ब्लू आ गया, इसमें अभी और क्या आने वाला है मालूम नहीं, इसमें ब्लू आ गया, एक और ब्लू आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। एक आ गया ब्लू 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 नहीं आया, और ऑरेंज आ गया है, तो इसके बाद में ये कौन सा स्वॉर्ड बनेगा मालूम नहीं, और ये स्वॉर्ड गया काम से,
इसके अंदर सेम कलर आने चाहिए कम से कम मिनिमम तीन, जैसे हम लोग कॉमिक कार्ड को क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट करने के बाद में उसमें पियर्स लाने के लिए 3 ब्लू स्टार लाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्वॉर्ड, कम से कम 3 स्टोन आने चाहिए स्वॉर्ड के अंदर में। ये कंस्ट्रक्शन वालों का मैं अलग से हिसाब करूँगा, बहुत आवाज़ कर रहे हैं। और ये ब्लू कलर का स्वॉर्ड बन गया है, एक डिफरेंट टाइप का स्वॉर्ड, जिसको मैं अभी देखता हूँ क्या है ये। और चैलेंजेस के हिसाब से जैसे जैसे चैलेंज करोगे वैसे वैसे मटेरियल मिलेगा, और उस मटेरियल को इस्तेमाल करना है स्वॉर्ड को अवेकन करने में, ठीक है, एनहांस करने में। और हमारा हो चुका है, एक स्वॉर्ड हमने बना लिया है। ये स्वॉर्ड का नाम है सोल ऑफ स्वॉर्ड, जिसके अंदर में कोई भी ठीक तरीके से बोनस नहीं है, तो इसको हम लोग सेट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बस खाली प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। एक और स्वॉर्ड बनाएंगे, अब इसमें देखते हैं कौन सा कलर आते हैं। इस वार्ड के अंदर में जो कलर है ना, वो कम से कम जैसे हम लोग कॉमिक कार्ड क्राफ्ट करते हैं 3 ब्लू स्टार लाते हैं, तो इसमें 3 रेड स्टार, 3 येलो स्टार, 3 ऑरेंज स्टार, 3 रेड स्टार, 3 पर्पल स्टार ऐसे करके आने चाहिए कम से कम। अगर वो आते हैं तो उसे स्वॉर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेटर बोनस बन के आएंगे, और बेटर बोनस मिलेगा स्वॉर्ड के थ्रू, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब इसमें से देखो, ये सेम कलर के नहीं आए, ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट आ गया, तो इसको भी हम लोग अवेकन कर लेते हैं और एनहांसमेंट करके देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर आ गए, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, दूसरा स्वॉर्ड पकड़ते हैं। ये कल से ऐसा ही हो रहा है, कल से मैं बहुत बार ट्राई किया कि सेम कलर के कम से कम 3 आ जाए स्टार, बट नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें लगा हुआ है आरएनजी और आरएनजी की माँ का, बाकी आप समझदार हो। तो स्वॉर्ड बनाते जाना है, और जब तक वो सेम कलर आते नहीं है तब तक बनाते जाना है। और कुछ कुछ चाहो तो आप लोग सेकंड वाला स्टार आने के बाद में, जो सेकंड वाला स्टोन है उसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो उसके बाद में। जैसे यहाँ पे ब्लू स्टार आ गया, तो एक और हमें ब्लू चाहिए, अब आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं आया, गया ये स्वॉर्ड गया। तो इसमें मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सेम कलर के स्टार्स आए, बोनस आए, पत्थर आए, स्टोन आए, बट वो आ नहीं रहे हैं। देखो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं यार, कल से मेरा ना डिसमेंटल कर करके दिमाग ख़राब हो गया, और अभी भी वैसे ही हो रहा है। पर्पल कलर के सेम नहीं आ रहे, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ऑरेंज, येलो, ग्रीन कलर के भी सेम नहीं आ रहे। अब करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। ये कौन सा कलर आया, 2 ब्लू आए, 1 ऑरेंज आया, 1 रेड आया, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। और स्वॉर्ड बनाना पड़ेगा, और मटेरियल खेलना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला स्वॉर्ड देखो, इसमें 3 ब्लू ऑरेंज वाला आ गया, ये हुई ना बात, ये हुई बात। इसमें 3 देखो ये भी आ गया। अब देखो ये वाले स्वॉर्ड को मैं बनाऊंगा, इस वाले स्वॉर्ड को मैं फुल्ली अपग्रेड करूंगा, और देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। ओके, इसको मैं अवेकन करूंगा और ये बनेगा पीला वाला स्वॉर्ड। ओके दैट्स गुड। ये देखो ये वाले जो स्वॉर्ड बना है, ये वाला, ये इंटेलिजेंस वाला, ये 3 सेम कलर के स्टार्ट आए, और इसमें 3 यहाँ पर में स्टोन आए, तो ऐसे ही कुछ सेम सिमिलर बनाना है, और वो बनाने के बाद में यहाँ पर सेट करना है। अब जैसे यहाँ पर वापस मैं स्वॉर्ड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर मैं सेट कर दूँगा, तो ये मेरे को लेके आना है। पर ये कौन सा वाला स्वॉर्ड कौन सा वाला बोनस देता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा अभी। जैसे एग्जाम्पल ये येलो वाला है, ठीक है, येलो वाले के अंदर में इंस्टेंट डिफेंस इंक्रेस करके मिल रहा है, कोड रेसिस्ट है, डिक्रेस डिस्ट्रक्शन है इंक्रेस, और ऐसे बहुत सारे बोनस है। तो कौन सा वाला हमारे काम का है कौन सा वाला काम का नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ा सा किसी का गेम आईडी देखना पड़ेगा, देखते हैं। जैसे कि आप तुम लोग देख सकते हो इसके पास में, देखो ये वाले जो स्वॉर्ड है, ये वाला है, थर्ड वाले जो स्वॉर्ड है, इसके अंदर में 4 कलर के ग्रीन कलर के स्टार्ट आए हुए हैं, और यहाँ पर पहला नंबर का देखो ये जो स्वॉर्ड है, इसके अंदर में 4 येलो कलर के स्वॉर्ड आए हुए हैं, जो स्टोन है वो आए हुए हैं। तो ऐसे कलर के स्टोन बनाने हैं जिस वजह से इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा बोनस आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बोनस आएंगे। तो ये जो है एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि इसमें इंटेलिजेंस में नंबर 4 का आया हुआ है, और नंबर 4 में क्या क्या बोनस मिल रहा है वो देख लो। उसके बाद में यहाँ पर मैं ये वाला ग्रीन वाला बोनस है, इसके अंदर में क्या क्या बोनस आया वो भी देख लो। डिक्रेस बेसिक डैमेज रिसीव फॉर एनर्जी प्रोजेक्शन कैरेक्टर बाय 10%, ऑर्डर जस्टिस का बोनस दे रखा है, क्राउड कंट्रोल है, लाइटनिंग डैमेज है, और डिस्ट्रक्शन इंक्रीज है, ठीक है। और यहाँ पर पर्पल कलर की स्वॉर्ड है, तो पर्पल कलर की जो स्वॉर्ड है उसमें भी 3 पर्पल स्टार है, और यहाँ पर मैं ये वाली स्वॉर्ड देखो, इसके अंदर में ऑलमोस्ट 4 तरह के स्टार है, स्टोन है, तो सेम कलर के 4 पर्पल वाले स्टोन है। तो इसमें यहाँ पर मैं 4 तरह का पावर लेवल इंक्रीज कर रहा है, इंस्टेंट 80 के इंक्रेस, कोड रेसिस्ट, जस्टिस इंक्रेस, डिक्रेस डैमेज रिसीव फॉर पॉइजन टाइप के कैरेक्टर्स के एबिलिटी वाले कैरेक्टर,
जस्टिस और एलियन टाइप के कैरेक्टर के अगेंस्ट में डैमेज रिसीव करेगा, मतलब इसमें अलग अलग बोनस है। तो टोटल यहाँ पर मैं 21 का ऑल अटैक मिल रहा है यहाँ पर मैं बैड बॉय के अकाउंट में, और यहाँ पर मैं एनर्जी डैमेज है, एनर्जी अटैक है, फिजिकल डैमेज है, और एडिशनल पीएस डैमेज भी डिक्रेस करके 4% का बोनस मिल रहा है। और नीचे का जो पूरा स्वर्ड इफेक्ट है उसके अंदर भी कितने सारे बोनसेस है वो तुम देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सेट करना है, बट इसमें से कौन सा वाला स्वर्ड सेट करना है, कौन सा वाला स्वर्ड सेट नहीं करना है, वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अभी सिनिकलस का अकाउंट देखते हैं। अब यहाँ पर मैं देखो, ये ध्यान से देखो यहाँ पर वीडियो में, ठीक है। ऑल अटैक यहाँ पर मैं सिनिकलस का 12% का इंक्रीज होता है, फिजिकल अटैक 5% का, एडिशनल डिक्रेस डैमेज 4% का, एनर्जी अटैक 5% का, फिजिकल डैमेज यहाँ पर 3% का। और इसने भी सेम वैसी स्वॉर्ड सेट कर रखी है जो कि हमने पहले देखा था। तो इसमें यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्वॉर्ड लगा रखे हैं सिनिकलस ने, और सिनिकलस ने यहाँ पर कोशिश की है कि रेड कलर का जो स्वॉर्ड है, यहाँ पर पहले नंबर का स्वॉर्ड देखो, उसके अंदर में रेड कलर के जो स्टोन है वो 4 स्टोन आए हुए हैं, जिसको स्वॉर्ड का नाम लिखा हुआ है जजमेंट। तो ये जजमेंट वाला स्वॉर्ड के अंदर में जस्टिस इंक्रेस, उसके बाद में लाइटनिंग डैमेज, मोमेंट स्पीड और एनर्जी प्रोजेक्शन कैरेक्टर के अगेंस्ट में डैमेज डील, उसके बाद में हाईएस्ट सेंसेस एबिलिटी वाले कैरेक्टर के अगेंस्ट में डैमेज डील, और उसके बाद में क्रूल्टी इंस्टेंट करने वाले जो कैरेक्टर्स है उसका डैमेज रिसीव करके यहाँ पर बोनस दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ स्वॉर्ड है जो हमें सेट करने हैं, और कोशिश करना है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टार लाने हैं, ठीक है। तो हम लोग काम पे लगेंगे और इन्वेंटरी में वापस जाके स्वॉर्ड बनाते हैं। तो ये मैंने एक स्वॉर्ड बना लिया था, उसके बाद में ये वाला एक स्वॉर्ड बना के देखते हैं। ये एनांस का बटन दबाता हूँ, अवेकन, जितने हो सके उतने मैं अवेकन यहाँ पर स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करूँगा और उसमें से बेस्ट स्वॉर्ड निकालूंगा, ठीक है। ये वाला एक स्वॉर्ड बन गया है, दूसरा वाला स्वॉर्ड देखते हैं अभी। सेम कलर के चाहिए एटलीस्ट 2। तो ये वाला एक ब्लू वाला है, ये भी अगेन ब्लू वाला है, ये वाला कौन सा है, ये भी अगेन ब्लू वाला ही है। मैक्सिमम जितने भी आए हैं मेरे को ये ब्लू वाला ही वाले वाला डाल, इसको देखते हैं। एक मिनट, इसको एनहांस करना था, ये वाला पर्पल वाला, ये पर्पल वाले को बना के देखते हैं पर्पल वाले में क्या बनेगा। ओके, ये 2 पर्पल है तो इसमें वो पर्पल वाला स्वॉर्ड बनेगा, और इसमें से देखो ये पर्पल वाला बन गया। 2 सेम कलर के अगर स्टोन आते हैं स्वॉर्ड में तो वो डिफरेंट स्वॉर्ड बनेंगे। एग्जाम्पल अगर ब्लू कलर का होगा तो ब्लू बनेगा, और उसमें अगर रेड है तो रेड कलर का बनेगा। अब जैसे एग्जांपल ये इसमें देखो 2 रेड है तो ये 2 रेड का कुछ डिफरेंट बनेगा, ये रेड वाला स्वॉर्ड बन गया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। उसके बाद में अभी दूसरा वाला देखते हैं, एनहांस का बटन दबाना है। तो यहाँ पर ब्लू कलर के 2 ब्लू स्टार है, 2 ब्लू स्टोन है, तो ये वाला स्वॉर्ड हमें ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये वाला स्वॉर्ड हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग डिफरेंट कलर का स्वॉर्ड बनाएंगे। तो हमें कुछ डिफरेंट कलर वाले स्वॉर्ड देखने हैं जिसमें सेम कलर के स्टार्ट ना हो, ब्लू वाले ना हो। तो मैक्सिमम ब्लू वाले बने हुए हैं तो हम लोग इसको डिफरेंट वाला बना के देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर कुछ डिफरेंट आता है तो बना के देखेंगे, और यहाँ पर मेरे स्टोन हो चुके हैं ख़त्म, तो वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्वॉर्ड बनाना है, और बनाने के बाद में यहाँ पर इक्विप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, पर्पल वाला सेट कर दिया, उसके बाद में एक ब्लू वाला सेट कर देता हूँ, मेरे का से ये वाला सेट कर दूंगा, तो ये वाला सेट कर दूंगा। कौन सा, मोमेंट स्पीड है, माइंड डैमेज है, ऑर्डर इंस्टेंट है, कमांड है, इसके अंदर में ऑर्डर है, क्रुएल्टी है, और ये वाला क्या है, इंक्रीज अटैक इंक्रेस के 59% का, पॉइजन डैमेज है, अटैक इंक्रेस है, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, ये वाला सेट कर देता हूँ। ये एक सेट कर दिया, और हम चाहे तो इसको बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 10% का ऑल अटैक इंक्रेस हो रहा है, और एक और स्वॉर्ड लाता हूँ रेड वाला जो कि मैंने बनाया था, रेड वाला एक था ना, कहाँ गया, अच्छा कहा इधर था ना, ये वाला मेरे को कुछ गलत लग रहा है, ये स्वॉर्ड बराबर नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा ये रेड कलर का है, इसके अंदर का बोनस अगर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं दूसरा स्वॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये मैंने सेट किया। अच्छा नहीं, इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्रिस्टल देना पड़ेगा, अगर कोई भी ऑप्शन मुझे लॉक करना है तो, ठीक है, मुझे कोई ऑप्शन लॉक नहीं करना है, मैं यहाँ से बिना क्रिस्टल स्पेंड किए इसको चेंज करता हूँ। तो ये चेंज हो गया है, और यहाँ पर मैं जो भी इसका बोनस आया है वो देखते हैं। तो चिल एबिलिटी वाले कैरेक्टर के अगेंस्ट में जस्टिस है, और इसमें एक और स्वॉर्ड लगा सकता हूँ चेंजेस के लिए, और इसको अगर मुझे चेंज करना है तो वापस चेंज बोनस पे क्लिक करना है और एक और स्वॉर्ड सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये वाला स्वॉर्ड सिलेक्ट कर दिया, देखते हैं। ओके, नंबर और बोनस भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है,
सही है। और यहाँ पर तुम लोग इक्विप करने से पहले देख सकते हो कि कौन सा वाला बोनस कौन सा स्वॉर्ड बेटर दे रहा है, और जो बेटर बोनस दे रहा है वो यहाँ पर तुम लोग सेट कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा बोनस दिख रहे हैं इस वाले स्वॉर्ड में, तो यहाँ पर मैं इक्विप कर देता हूँ। और ये स्वॉर्ड एक के ऊपर एक बेटर वाला जो स्वॉर्ड बनेगा, तो उस बेटर वाले स्वॉर्ड को एक के ऊपर एक इक्विप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो, और ये वाला एक रेड वाला मैं सेट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ये भी आ गया, 12% का ऑल अटैक आ चुका है। और एक और स्वॉर्ड बनाना है जो कि डिफरेंट कलर का रहेगा, तो वो मैं देखता हूँ कैसे बनाना है। एक स्ट्रेंथ का बनाना है, स्ट्रेंथ वाला ग्रीन कलर का स्वॉर्ड है, ये स्टैमिना का है, एक स्ट्रेंथ का चाहिए। और स्ट्रेंथ का वाला कैसा वाला स्वॉर्ड है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो स्वॉर्ड मैनेजमेंट में जाके एनहांस का बटन दबा के इसमें से कौन सा वाला स्टैमिना का है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बैटल शॉप दिया हुआ है, बैटल शॉप में से अलग अलग बोनस यहाँ पर परचेस कर सकते हो। लाइक टाइम के तो है नहीं, बस परचेस कर सकते हो ताकि तुम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हासिल कर सको। अपग्रेड आइटम है, स्वॉर्ड यहाँ से खरीद सकते हो। CTPGS भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 350 टोकन में ये 20 मटेरियल भी है। तो ये 20 मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो वो भी अगर लगता है तो यहाँ से परचेस कर सकते हो जिससे तुम्हारा स्वॉर्ड बनेगा। तो वो ख़त्म हो गया यहाँ पर, मैं वो परचेस लिमिट वन टाइम ही है, आइचा गावात याचा जाओ जाता। और क्या क्या है यहाँ पर, चलो ख़त्म। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं वापस से स्वॉर्ड में जाना है, और स्वॉर्ड में जाने के बाद में यहाँ पर मैं अगेन स्वॉर्ड लेना है और उसको एनहांस करके देखना है। जितना मटेरियल होगा उतना ही करना, पूरा मटेरियल ख़त्म होते तक मैं अब ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को अच्छा वाला स्वॉर्ड बनाना है, एक ऑरेंज वाला, बट वो आ नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और एक ग्रीन वाला आया है, बट मैं इसको अपग्रेड नहीं कर सकता, मटेरियल ख़त्म। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ में आ गया किस तरीके से स्वॉर्ड बनानी है। 6 स्टार कम से कम सेम स्टार के स्टोन्स के आने चाहिए, उससे स्वॉर्ड बेटर बनेगी, ठीक है, बेटर बोनस मिलेंगे। तो कोशिश करो कि सेम स्टार लाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।